खुदा दाद की कहानी है, जो बना तो खुदा के नाम पर था, मगर यहाँ फिरौन हुकूमत करते आए हैं। इस वक्त हम फलकाबाद एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक जहाज लैंड कर चुका है और इंकलाब पार्टी के चेयरमैन सरदार जॉन शेर अपने दौरे काशकंद से वापस लौट आए हैं। अब किसी भी वक्त हमारी उनसे मुलाकात हो जाएगी। हम उनसे ये भी मालूम हासिल करने की कोशिश करेंगे कि यादगार कॉलोनी के बारे में उनकी क्या मूवमेंट है। आप गाड़ी ले जाएं, आगे ले जाएं। पर मेरी बात तो सुनें। जाएं, प्लीज आप जाएं। तो इस बोर्ड को तार कर फेंक दें। क्या तमाशा लगाया हुआ है? जाएं, आप जाएं। हम खा लोगों को तंग करके रखा हुआ है। कि यादगार कॉलोनी के बारे में क्या ख्यालात हैं? और उनकी गैर हाजिरी में उन्हीं के MNA, उन्हीं की पार्टी के MNA शेर अफगन ने जो बयान दिए हैं। काशकंद के बारे में क्या कहेंगे? हुकूमत समझती है कि इस दौरे के असरात बहुत अच्छे निकलेंगे। हुकूमती सतह पर बहुत माहदे हुए हैं। आप ही की पार्टी के MNA शेर अफगन ने हाल ही में बयान दिया है कि यादगार कॉलोनी के मामले की तहकीकात के लिए एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाएगा। देखें, शेर अफगन हमारी पार्टी के एक अहम रुकन है। उन्होंने जो कुछ कहा वो ठीक कहा, और ये इंक्वायरियों से और कमीशन से वो लोग घबराते हैं जिन्होंने उनको गलत काम किया। सब लोग काफ़ी लोग सारी आवाम जाने कि हमने जो कुछ किया है आवाम की। सरदार साहब, मुझे ये बताइए कि इस डील से आप क्या कमाएंगे? अपने लिए नेकनामी और इज्जत और उनके खुदादाद की आवाम के लिए फायदा। सरदार साहब, शेर अफगन साहब नजर नहीं आ रहे। सरदार साहब, कमर्शलाइजेशन होनी चाहिए। सरदार साहब, आपकी पार्टी का मौकफ क्या होगा? इंक्वायरी कमीशन का सामना करेंगे। सुनने में आया है कि आपके साहिबजादे सुल्तान आजकल यादगार कॉलोनी की जमीनों के सौदे में मुलव्वस है। देखें, इंकलाब पार्टी आवाम के वोट से है, किसी चोर दरवाजे से नहीं। हम जवाब दे भी आवाम को है, मीडिया को नहीं। कैसे हो? बिल्कुल फिट। तुम तो बिल्कुल नहीं बदले। कैनेडा में तुम लोगों वाली टेंशन से नहीं होती। यार राइट। अब लग रहा है कि वतन वापस आया हूं। तुम्हारी रगों में खून नहीं, तंज भरा हुआ है भाई। उम्र कहते हैं इसे ढूंढ। अमरीका ने यादगार कॉलोनी में कब्जा कर लिया। जब अमरीका इस मुल्क की हर चीज में घुसेगा तो यही होगा। ये जितने नारे लगा रहे, आज इनका बस चले तो माँ का जेवर बेच कर अमरीका पहुंच जाए। गुड वन। वो चेक करो, उस मोटे की बिजली अमरीका ने बंद करवाई है, इसलिए वो एम्बुलेंस को रोक कर बदला ले रहा है। और उसकी अपनी बीवी से लड़ाई अमरीका ने करवाई है, और इस बेचारे की तो कोई सुनी नहीं रहा। What a country. वो पॉलिटिशियन तुम्हारी फ्लाइट से आया था ना सरदार, ये सारा उसी का चक्कर है। परदादा के नाम पर शहर क्या बस गया, खुद को शहर का हाकिम समझता है। बास्टर्ड। कुछ नहीं बदला। यादगार कमर्शलाइजेशन बंद करो। हाँ यार, आजकल यही चल रहा है यहाँ पर। आपको सब मिलेगा। चलो भागो। हाँ, रुको 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 रुको। What are you doing? दो तीन छोड़ना, कैद परिंदों की बतवा लग जाती है। तुम यहाँ रहते हो डूड,
मैं क्या पता आजादी किस परिंदे का नाम। अब मेरे पास में हो ना तो इन जैसों को फांसी पे लटका दूं। फांसी चढ़ा देगा, यह दिन बीमार था इसलिए नहीं आ सका। शेर अफगन साहब, वो अपने बेटे को जूथ विंग का प्रेसिडेंट बना ही इसलिए रहा है ताकि वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर बन जाए। मुशीर, ये सिनेमा का टिकट नहीं है जहाँ एक टिकट में दो मजे हों, समझे तुम? ये सारा इलाका मेरा है, मेरा। तीन दफा जीता हूँ यहाँ से बिला मुकाबला और दो दफा आजाद भी। मुझे टिकट के नहीं, टिकट को मेरी जरूरत है, मेरी। Listen, I have to go. सुनो, मैं रात में भी आऊंगा। ढोलकी में तुम्हारा क्या काम? अरे भाई, मेन हीरो तो मैं ही हूँ, कोई डांस शांसी कर लेंगे। डांस? सैफ भाई, निदा और उनके फ्रेंड्स करेंगे। क्या हुआ? यार ये मुंह बोला भाई कुछ नहीं होता। For God's sake, राशिद, सरमत भाई के दोस्त हैं वो। अभी तो मंगनी भी नहीं हुई और तुम शुरू हो गए। Listen, सरमत भाई आ गए। We'll talk later, okay? सुनो। अरे रहमान बाबा, रहमान बाबा, डिक्की से सामान निकाले। I miss you so much, bhai. Me too. Cynthia bhabhi kyun nahi aayi? Are yaar, kisi ko to wahan bhi rehna tha na. But she sends loads of love for you. And oh, that's sweet of her. But she should have come. Choti ma. Beta. Choti ma. Kya karti hai? मेरी जगह अगर आज तुम्हारी माँ होती तो उसे भी यही कहता तू। तो रोज तो बात होती है आप लोगों से, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे बरसों के बाद मिल रहा हूँ। मगर छुआ तो इतने सालों के बाद है ना। सलाम छोटी माँ। वालेकुम अस्सलाम जी, तेरा हूँ। तुम अपना जेट लैग उतारो, शाम को मुलाकात हो। सी यू इन द इवनिंग। इसी ने सारी तैयारी की है, बेचारा सारा सारा दिन लगा रहा मेरे साथ, खुदा इसे खुश रखे। बचपन का दोस्त है ना, एहसान थोड़ी किया इसने मुझ पे। हाउ आर यू एनी? कितनी यादें जुड़ी, आपने तो जरा सा भी नहीं बदला इसे। भाई साहब की दो ही तो यादें रह गई हैं, एक ये उनका घर और बेटा, दूसरा तू। आखिर कजिन किसकी हूँ? चलो कुछ दिन रह लो अहमकों की जन्नत में। फलकाबाद नेशनल कॉलेज 5 रन्स टू विन दिस ट्रॉफी, 1 बॉल लेफ्ट एंड 5 रन्स टू।
score. Sare Memorial has put all its teeth on the boundary. Captain is having a word with Azmat. My God, what intense moments. Azmat comes into goal. It's a bouncer. Someone hooks him high on the leg wicket. There's a fielder on the boundary. And it's a हाँ अम्मा, अपने भाई को उस आदमी के बाद ही आया है, आराम करने दो, रात को दावत पे भी जाना है। अरे देख लेंगे सबको। हाँ हाँ बेटा आराम करो। पैसा? पैसा? अरे बेवकूफ औरत को बहुत अप्रिशिएट किया जाएगा। आप ही लोग कहते रहते हैं बैरूनी सरमायाकारी। दिस ड्यूड वाज विद मी ऑन द प्लेन। चलता मुझको तो समझ में नहीं आती आप लोग चाहते क्या है? के लोग तारीख के नाम पर बोसीदा इमारतों में रहते रहे। सरदार साहब, आप ही की पार्टी के शेर अफगन साहब ने इस मामले पर हमारे प्रोग्राम में एक बयान दिया था। आइए आपको वो क्लिप दिखाते हैं। देखें, यादगार कॉलोनी के मामले पे हुकूमती सतह पर या फिर कोर्ट की निगरानी में कोई कमीशन बने, कोई भी कमीशन बने और वो हमारी पार्टी पे लगे इल्जाम की छानबीन करे तो हमें कोई एतराज नहीं। जी हजरत, आपने शेर अफगन का ये मौकफ सुना? सलमान साहब, इनकी पार्टी के लोग भी वही कह रहे हैं जो हम कहते हैं कि मुल्क बहरानों से गुजर रहा है। हिस्बे अपने याद सदर मुमलिकत की इतिहादी जम डैडी की कॉल आई थी, तुमने अभी तक क्रेमिक ऑफ में अप्लाई नहीं किया? देखते हैं। देखते देखते नहीं है, दुबई शिफ्ट होना हमारी डील हुई है, इस संजाल में कौन रहेगा? अगले साल मेरी प्रमोशन होने की उम्मीद है, कैसे छोड़ूं? अच्छा, यहाँ खुश हो? नौकरी भी करो, टैक्स भी दो और जान माल इज्जत बचाते फिरो। दुबई चलो, मेहनत इतनी ही करो मगर ना टैक्स ना टेंशन। तुम्हें तो प्यार करना भी आसान नहीं। या आई एग्री। खानदान और इनकलाब पार्टी पिछली तीन नस्लों से अपने मुल्क की गरीब आवाम की खिदमत करते चले आ रहे हैं। मैं बहसियत चेयरमैन इनकलाब पार्टी सरदार सुल्तान शेर को इनकलाब यूथ विंग का नया सदर नामजद करता हूं। आप लोग इस फैसले पर हाथ उठाकर वोट देंगे।
मैं सरदार सुल्तान शेर, मैं सरदार सुल्तान शेर। एफआईआर सुल्तान शेर छोटे सरदार साहब के खिलाफ। देखिए सरदार का बेटा, जरा ध्यान से सरदार साहब कहो, माई बाप है हमारे, पीर और मुर्शिद है वो। वैसे तुम समझदार लगते हो, इसे समझाओ। मैं कोई जाहिलिया गवार नहीं हूं, अपने हकूक जानता हूं। आओ। अच्छा क्या है तुम्हारे हुकूम? यही कि पुलिस किसी शहरी के साथ ज्यादती हो तो एफआईआर काटे और अदालत इंसाफ दे। इंसाफ? कोई गवाह है तुम्हारे पास? एसएचओ साहब, गुस्सा करने की जरूरत नहीं है, इन पर इंकलाब पार्टी के वर्करों ने हमला किया था। तुम तो वहां मौजूद नहीं, लेकिन गाड़ी में कौन थी? इनकी होने वाली बीवी। ओ, होने वाली बीवी। आने लाना होगा उसे, हम भी तो देखें वो होने वाली बीवी कौन है। यादगार कॉलोनी में जो कुछ कर रहे हो तुम समझ रहे हो ना, वो मेरा हलका है और आप मेरी पार्टी के रुकन हैं। तुम्हारी नहीं, हमारी पार्टी। अगर तुम्हारे बंदों की कोई हरकत मेरे लिए प्रॉब्लम बनी तो शर्मिंदा मत करना। एक इज्जत ही तो थी, आज वो भी लूट लिया। के निशान हमेशा कदावर हुआ करते हैं, लेकिन आज के फिरौन कल के फिरौनों से ज्यादा ताकतवर और बड़े हैं, जिनको लोग इबरत नहीं परस्तिश के काबिल समझते हैं, जिनके आगे सर झुकाना रीत और सर उठाना मायूब समझा जाता है। चलिए रब ने दिया
इंसान को इंसान नहीं समझता। ये मुल्क एक दिन रहने के काबिल नहीं है। शरीफों का यहाँ कोई काम नहीं है डूड। भाई मैं तो दिन गिन रहा हूँ बाहर जाने के। भाई ये भी कोई मुल्क है जहाँ इज्जत बचाने के लिए जलील होना पड़ता है, और वो भी जालिमों के हाथों। ये चूहे हमारी बेहिसी की वजह से ही तो गंद फैला रहे हैं। जहाँ गंदगी होगी वहाँ चूहे तो आएंगे। We should all move to Canada. That's right. Seriously, dude. तो हार मान ले, अपना ही मुल्क छोड़कर भाग जाएं। तो मर्जी है, खाते रहो थानेदारों के थप्पड़ और लगाते रहो पटवारियों के चक्कर। जा जाओ मूसा, हम सब आम लोग हैं। Bloody civilians in a bloody system. सिस्टम चेंज भी तो हो सकता है। यहाँ वोट और नोट आपस में कजन्स हैं। Exactly. अपना भर गया पेट, बाहर में गई स्टेट। मूसा तुम स्टूडेंट यूनियन के लीडर थे, याद है कॉलेज का पूरा सिस्टम चेंज करने की ट्राई की थी तुमने। हम सब एक्सपेल होने के डर से तुम्हें छोड़ के भाग गए थे, इंक्लूडिंग आवर डियर फ्रेंड। नहीं नहीं, मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं। एक डिग्री ही तो छीनी ना, मेरी सोच तो नहीं छीन सके। एक ना एक दिन सब कुछ बदलेगा, बदलना होगा। What? And what about me? हाँ जो कुछ हुआ, सिर्फ निकलो यहां से, ये मुल्क रहने के काबिल नहीं रहा। फेडरल कोर्ट के तेवर बदल रहे हैं, सुओ मोटो के चांसेस हैं। जितनी प्रॉपर्टी ले सकते हो खरीद लो। आजकल किसी और ही नस्ल के जज आसमान से नागहानी आफत बनकर टपक पड़े। महल का क्या हुआ? तुम्हें पता है ना मैंने मुमताज से वादा किया है। एक घर रह गया है। क्यों जी? वो इसका मालिक कैनेडा में रहता है पर अब आ गया है, आप फिक्र ना करें। उशीर निकाल, फेंको इन जालों को बाहर। मुझे हर कीमत पर वो घर चाहिए, हर कीमत पर। और अगर वो घर बेचने को तैयार नहीं है ना तो घुस जाओ, जबरदस्ती घुस जाओ। आप कहां रहे बाबा जी? कहां रहे? अरे बात तो सुने माँ जी, कैसी हैं आप? कुछ सोचा आपने? वो बेटा खुशी वाला घर है ना, इसलिए। खुशी का घर खुशी का ही रहे तो बेहतर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये रजिस्ट्री के कागजात हैं। मैं इंशाल्लाह बुध को नहीं जुमेरात को आऊंगा, लेकिन इस बार आखिरी मर्तबा आऊंगा। दस्तखत करवा कर रखिएगा। पेमेंट हाथ के हाथ हो जाएगी। छोटी माँ, कौन थे ये लोग? Thank you.
अस्सलाम वालेकुम मामा जी। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम मामा जान। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो इज्जत? ठीक हूँ मामा जी। मामी जान घर पे हैं? जनाने में हैं। जी मामा जी। मजलिस आमला के 8 अफराद तो आपके साथ हैं ना? जी हाँ, मुझे मिला के 18 में से 8। और अक्सरियत हासिल करने के लिए दो ही और वोट दरकार है ना? जी वो तो बोली लगवाएं। मामा जी सीसी के 2-4 लोग तो खरीदे जा सकते हैं, मगर वो पैसों के अलावा गारंटी भी तो मांगेंगे। मियां देखो, सुर की तो नहीं लेकिन हर ताल की खबर हम जरूर रखते हैं। मतलब हर ताल, पहिया जाम, सब बंद। सब दर बंद होंगे तो ये दर खुलेगा। बस तख्ता उलट लेने दे मामा जी, इधर मैं पार्टी में ओहदे का हल्फ उठाऊंगा, उधर आप असेंबली में कायदे हिज्ब इख्तलाफ का हल्फ उठाएंगे। तुम्हारी बेहतरी के लिए सोचना हमारा फर्ज बनता है, आखिर इज्जत हमारी भांजी है। हमारे नोट और हमारे वोट दोनों आप ही के लिए हैं। शंघाला और सलमान जाजी को हम ख्याल ग्रुप में खुश आमदीद कहता हूं। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में अब हम लोगों की अक्सरियत हो चुकी है, जिसके बाद और इस नई इनकलाब पार्टी के होने वाले चेयरमैन शेर अफगन नूरी साहब। साथियों, कितनी कुर्बानियां दी हैं हम लोगों ने इस पार्टी के लिए, लेकिन क्या मिला? रुसवाई, पहले दादा फिर बाप और अब बेटे को तैयार किया जा रहा है। और अब भी अगर हमने बगावत नहीं की तो आइंदा 100 बरस तक यह खानदान हमारी पार्टी पे मुसल्लत रहेगा। यादगार कॉलोनी में अरबों कमाए जा रहे हैं, प्रॉपर्टी पर तो उनका कब्जा हो चुका, हमें क्या मिलेगा? ठेंगा? ठेंगा तो हम दिखाएंगे जनाब। और पार्टी टिकट्स? हम ख्यालों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। हमारे नामजद चेयरमैन के कहने पर हिजबे हक ने पीर के रोज यादगार कॉलोनी के स्कैंडल पर हड़ताल का ऐलान किया है, जिसकी वजह से एक चीफ मिनिस्टर दबाव में आएगा, दो सरदार को हजरत से मुजाकरात का कहा जाएगा, 3 मुजाकरात नाकाम होंगे, सरदार हुकूमत और पार्टी में गंदा हो जाएगा, मखलूत हुकूमत खतरे में पड़ जाएगी, 4 पार्टी इंतखाबात में हम सरदार का तख्त उलट दें। मगर हजरत की गारंटी कौन लेगा? आपका चेयरमैन। हजरत ने हड़ताल की कॉल दे दी।
इस वक्त खैरियत है? खैरियत नहीं है। आपने सुबह का अखबार तो पढ़ा होगा। हाँ। रात 9 बजे का खबरनामा तो सुना होगा। मीडिया सवाल उठा रहा है कि हुकूमत हिज़्बे हक की हड़ताल पे खामोश क्यों है? अपोजिशन, अपोजिशन का काम क्या है और शोर मचाने के अलावा? हुकूमत का काम मुज़ाकरात करना है। हजरत को टेबल पर लाओ, कुछ दे दिला के मामला खत्म करो, उसके आगे घुटने टेक दें। आप क्या चाहते हैं कि तीसरी कुव्वत को मुदाखलत का मौका दे दें? आप इत्तेहादी हैं, आप तो ये बात समझते हैं। आप चाहते हैं मैं उससे हाथ मिलाऊं? आप मामले को हैंडल करें, मैं आपको फ्री हैंड देता हूं। प्रेसिडेंट साहब को फोन मिला। शेर अफगान से यादगार कॉलोनी वाला बयान भी इसी मुनाफिक ने दिलवाया होगा। घटिया और कमीने लोग बहुत से, पर इन जैसे लोगों का कोई जोड़ नहीं है। हजरत, 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 आपका नूरानी चेहरा देखकर ईमान ताजा हो गया। सरदार साहब, ईमान कभी भी बासी नहीं होता। आपकी आमद करीब खाने के लिए बायस इफ्तिखार है। जी आमना, इंकलाब पार्टी के सरबरा और हिज़्बे हक़ के अमीर की मुलाकात आज से पहले बिल्कुल नामुमकिन तसव्वुर की जाती थी, लेकिन आज दोपहर दिलचस्प वाकया होने की वजह से हम काशाने हक के बाहर मौजूद हैं। हमारे जराए ने इन्फॉर्म किया है कि 2 घंटे गुजर चुके हैं और मुजाकरात बदस्तूर जारी हैं। बहुत शुक्रिया मेरीन आपका। नाज़रीन हमारी नुमाइंदा में अब तक की सूरत-ए-हाल से आगाह करेंगी। जैसे अब देखना मामा जी सरदार को कैसे दिखने का नाच नचाते हैं। हालात तो हमारे ताबे हैं सरदार साहब, जब चाहें बदल दें। आप भी तो अपना रवैया बदलिए क़िबला। आपके मुतालबात की लिस्ट ही इतनी लंबी है हज़रत? जिद्दोजहद भी लंबी है। आप अपनी स्ट्राइक की कॉल वापस लेंगे? ये तो मुशावरत के साथ मशरूत है। जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। वजारत
بہبود آبادی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ استغفر اللہ، یہود و نصارہ کی سازش کا حصہ بنانا چاہتے ہیں آپ ہمیں؟ بیت المال؟ بیت المال کی ذمہ داری دیندار لوگوں کا کام ہے۔ آپ کے صاحبزادے کی بیرون ملک تعلیم تنظیمی ساتھیوں کے سفر سعادت کے ٹکٹس کا بندوبست۔ یہ سب کچھ تو ممکن ہے حضرت، مگر بیت المال کے لیے مجھے اوپر مشورہ کرنا پڑے گا۔ جب اوپر ہی مشورہ کرنا ہے تو پھر ہماری آپ کی گفتگو کا کیا فائدہ؟ چلیے کوئی بات نہیں، ہم بھی آپ کو یہاں سے نمک کھلائے بغیر نہیں جانے دیں گے۔ حزب حق پرامن جد و جہد میں یقین رکھتی ہے، اس لیے وسیع تر قومی اور ملکی مفادات کے پیش نظر اپنی ہڑتال کا اعلان واپس لیتے ہیں، لیکن یادگار قانونی کے مسئلے پر ہم حکومت سے مذاکرات جاری رکھیں گے۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہمارے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں حضرت صاحب۔ نے پیر والے تجربہ کہتا ہے حضرت بک گیا، ہڑتال کی کال واپس لے لی ہے، اور ہمارے اصرار پر بیت المال کی برباد ہو گئے۔ برباد ہو گئے ماما جی۔ سردار صاحب، شیر افغان کے بہکاوے میں آ گئے۔ پارٹی کے انتخابات کینسل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ پارٹی آپ کی جاگیر نہیں ہے۔ جاگیر ہے، میرے پاس آپ کے خلاف ثبوتوں کی پوری فائل موجود ہے۔ باہر جا کر دیکھو، گاڑی پہ گاڑی چڑھی ہوئی ہے۔ کوئی حال ہے اس ملک کا؟ بمپر ٹو بمپر، سیریسلی۔ لو بھائی چھٹی ہو گئی، آج تو صرف چار پانچ دفعہ گئی ہے، یہ سب تو چلتا ہی رہتا ہے یار۔ آ گئی، I'm so fed up with all this۔ میں تو دن گن رہا ہوں باہر جانے کے۔ موسا کیا بات، کہیں سنمت کی باتوں سے بھوک تو نہیں مر گئی تمہاری؟ میری تو صرف بھوک مری ہے، اس ملک میں تو لوگ بھوک سے مر جایا کرتے ہیں۔ ڈوڈ ہم تو کھا رہے ہیں نا۔ ہاں تو کھاؤ،
किसने मना किया? हम सेलिब्रेट करने आए शायद। भाई को इससे क्यों डिप्रेस कर रहे हो सबको? शुरुआत वैसे ही नहीं लग कहता तो ठीक ही है। खैर टूट ये है ना जाहिलों का मुल्क है, अंगूठा छापों का। काश हम सब भी अंगूठा छाप होते। वोट डाला है कभी? ओह नॉट अगेन। भाई मैं किरण से वोट का भाषण सुन सुनकर तंग आ गया। मेरे एक वोट से क्या फर्क पड़ता है? वो वैसे भी सारा सेट होता है पहले से, सब फ्रॉड है। वोट की ताकत ना मानो तो मुल्क टूट जाया करता है। जी वोट डालो तो सही, सही वोट तो डालो। किरण किन चक्रों में पड़ी हुई? डोंट बी इन्फ्लुएंस्ड बाय मूसा। ये शाय टाइप के लोग ना ऐसे ही होते हैं। यार एक कॉलेज में भी ऐसे ही होता था। वैसे मूसा शेव करा के शायर का अफसर जहाँ लग रहा है। इसकी अपनी लाइफ है, पर दूसरों की लाइफ को तो इन्फ्लुएंस ना करे। वैसे इफ आई मे से इसे औरों की तरह बाहर नहीं रहना यार। भाई कुछ नहीं होने वाला और लोग खुश हैं। पता नहीं तुम लोग क्या चाहते हो। भाई इतने इलेक्शंस हुए, वही लोग आए, वही आते रहेंगे। There's a point there. यही मसला है मिडिल क्लास का। हम जलते रहेंगे, कुड़ते रहेंगे, बड़ी बड़ी बातें करते रहेंगे, मगर पॉलिटिकली जीरो। हमें क्या बुक और फ्लास से लोग मरते रहे? हमें क्या अगर ट्रैफिक जैम में फंसी किसी एम्बुलेंस में किसी शख्स का हार्ट फेल हो जाए? हमें क्या अगर आटा हासिल करने के धक्कम पेर के दौरान चंद औरतें मर जाती? हमें क्या किसी बेरोजगार शख्स ने अगर असेंबली के बाहर खुद को आग लगा ली? हमें क्या पेट्रोल अगर 100 रुपए लीटर हो जाए? हमें क्या चीनी की कीमत दुगनी हो जाए, दूध 80 रुपए लीटर हो जाए? हमें क्या, हमें क्या अगर गरीब का बच्चा रात को भूखा सोए, छत तालीम कपड़ों को तरसे? हमें क्या अगर बिजली ना हो? हमें क्या गैस मिले ना मिले? हम तो खा रहे ना। हमें क्या, हम अपनी कुव्वत को कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अरे हमारा वोट नई नस्ल के लिए खाबी तो है, पहाड़ में जाए नई नस्ल। हम तो इलेक्शन वाले दिन घर में आराम करेंगे, टीवी देखेंगे, इलेक्शन के रिजल्ट देखेंगे और फिर अवाम को गालियां निकालेंगे और हम खुद तब्दीली से डरते हैं, नए लोगों से डरते हैं, बेहतरी से डरते हैं और हम इसीलिए उन्हीं लोगों को वापस ले आते हैं जो इस मुल्क का खजाना खाते हैं। हाँ मगर हम वोट नहीं डालेंगे। ये सब जज्बाती बातें, आप सब जज्बाती हो रहे हैं। हाँ मैं जज्बाती हूं, पागल हूं, बागी हूं, सब कुछ हूं, पर बेगैरत नहीं हूं। अरे अंगूठों पर स्याही मल लो इससे पहले कि मुंह पर कालक मली जाए। ये आखिरी मौका है, याद रखना तुम सब। तजर्बे का सौदा महंगा नहीं होता, जब सीढ़ी पांव के नीचे से निकल जाए तो डसना ही पड़ता है। तुम कहना क्या चाहते हो? हजरत ने तो हड़ताल का जाल बिछा कर बैतुल माल हड़प कर लिया, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। उशीर शैम आप मारी है उस कमीने ने। हजरत की जमात के बगैर और सरदार की नाराजगी के बाद अब तो आप आजाद भी लड़ेंगे तो जमानत जब्त हो जाएगी। सरदार के करतूतों का एक एक सबूत है मेरे पास। नंगा करके रख दूंगा उसे, नंगा।
काला हो गया मेरा सरदार के आगे, पूरी बाजी उलट गई, सारी जिंदगी जग मारी, जेलें काटी, क्या मिला? जिल्लत। शेर अफगन अब्बा पर भरोसा नहीं करेगा, रहा सरदार तो उसके खिलाफ वो सबूत लेकर प्रेस में जाने वाला है। सरदार जानशेर का हुकूमत में रहना हमारी मजबूरी है, हमारी डील उसकी वजारत से जुड़ी है। अगर आपकी पार्टी इस खादिम को अगले इलेक्शन में उम्मीदवार के काबिल समझे तो सबूतों की फाइल जुमे को शेर अफगन फाइल लेकर मेरे घर आएगा। अगर मुझे कुछ हो गया तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी सरदार जान शेर पर आयद होगी। अगर मैं ना रहा तो मेरा यह बयान और इस फाइल की कॉपी पुलिस तक पहुंचा देना। हाँ मशीर। शुरू कर दी है, जो ही कोई नतीजा सामने आएगा हम फौरन मीडिया को इन्फॉर्म कर देंगे। बेगम नूरी के बारे में क्या अपडेट? अल्लाह का शुक्र है वो इस हमले में मौजाना तौर पर बच गई है। इस वक्त वो कहाँ है? इस वक्त तो एक मकामी अस्पताल में जेरे इलाज है और उनकी हालत नाजुक बयान की जा रही है। शहर के हालात के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूँ और मेरी आप मीडिया वालों से ये दरख्वास्त है कि शहर में अमन अमान कायम रखने के लिए मकामी इंतजामिया का साथ दें। ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक अब तक 17 से ज्यादा गाड़ियां जलाई जा चुकी हैं, जबकि 3 मुसाफिर बसें नजर आतिश हो चुकी हैं। शहर के जनूबी इलाके में वाके यादगार कॉलोनी में हवाई फायरिंग के नतीजे में एक अफसर लड़की जख्मों की ताब न लाकर जान बाज़ हो गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए इस वक्त लिए चलते हैं डेरा सरदार, जहाँ इंकलाब पार्टी के सरबराह सरदार जानशेर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। हम समझते हैं कि चंद गैर जमहूरी कुव्वतें हुकूमत को और उनके इत्तेहादियों को ओछे हथकंडों से खौफ जदा करने की कोशिश कर रही हैं। हम अपने साथी शेर अफगन शहीद के कातिलों को जल्द अज जल्द कैफरे किरदार तक पहुंचाएंगे। क्या आपको किसी पे शक है? मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हम कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। तो वैसा सुना है कि आपके और सिर्फ शेर अफगन वो मेरे सगे भाई की तरह रंग नहर का सारा सूबा इनके खून से रंगा हुआ है। सरदार साहब सुना है कि शेर अफगन के कत्ल के पीछे आपकी पार्टी का हाथ है। सरदार कॉलोनी के साथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या ये तोड़फोड़ आपकी पार्टी के लोग कर रहे हैं? हमें नहीं पता इन शरपसंद अनासिर का। इस आने के नतीजे में खाली होने वाली सीट पर इनकलाब पार्टी का नया उम्मीदवार कौन होगा? मेरा बेटा सरदार सुल्तान अमली सियासत में आकर शेर अफगन के मिशन को पूरा करेगा। उनकी नागहानी मौत से मुल्की सियासत में एक नाकाबिले तलाक पैदा। बोलो। आज पूरा फलक आप
नष्ट पा रहे। ओके करो। कुछ बचना नहीं चाहिए। सियासत में जमहूर दस्तूर और मंशूर नहीं बल्कि फुतूर की जरूरत होती है। अल्लाहु अकबर। हेल्प विद दिस कंट्री यार। नहीं चाहिए मुझे घर, ये सब कुछ बेच दे इसे यार, बेच दे। ये घर नहीं बिकेगा। क्या ये सब कुछ देखने के बाद भी तुम, जब तुम्हारे घर में होगा ना तब तुमसे पूछूंगा। अच्छा दोस्त होने का सबूत दे रहे हैं? अरे खुद तो मरेंगे ही, हमें क्यों मरवाते हैं? कोई किसी को नहीं मार सकता। चार आदमी घुसेंगे, ठा ठा ठा, खबर छपेगी, डाका पड़ गया। सुल्तान जो कर सकता था कर चुका, अब हमारी बारी है। क्या करेंगे? पूरा इलाका खाली हो चुका है, कौन साथ देगा? अरे तो क्या करें, कौन खड़ा होगा इन फिरौनों के खिलाफ? मूसा। जब नाइंसाफी कानून बन जाए तो मजाहमत फर्ज हो जाती है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, कौन कौन है मेरे साथ? सभी कहते हैं, आप कब तक करेंगे ये? जब तक फेडरल सुपीरियर कोर्ट यादगार कॉलोनी के मामले पर सुओ मोटो एक्शन न ले ले, जब तक आवाम को इंसाफ नहीं मिल जाता और जब तक हक की सदा इस धरती की हवाओं में रच बस नहीं जाती,
हम दादा में मर भूख हड़ताल करेंगे। ये भूख हड़ताल किसके खिलाफ करेंगे आप? लुटेरों के खिलाफ, सरदार जान शेर, सरदार सुल्तान शेर और उनकी कंपनी शादवार डेवलपर्स के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। हर उस शख्स के खिलाफ जो हमारे मुल्क को लूट कर खा लेना चाहता है और खा रहा है। तुम्हें उन लोगों का नाम लेने की क्या जरूरत थी? ये तो सीधा सीधा इंकलाब पार्टी से दुश्मनी लेने वाली बात है। और भूख हड़ताल कहां से आ गई? क्यों, ये कौन सी कोई नई भूख हड़ताल है? नहीं तो बात भी ना करो, मैं तो रोजे बड़ी मुश्किल से रखता हूँ। भूख हड़ताल कौन करेगा? मैं करूंगा भूख हड़ताल। हम चार पांच लोगों की आवाज कौन सुनेगा इस मुल्क में? रोज सैकड़ों लोग मर जाते हैं बीमारी से, दहशतगर्दी से, टारगेट किलिंग से। हुकूमत कोई एक्शन नहीं लेती और ना लेना चाहती है। चूहे बोलते ना इनको, तो डूड चूहों के कानों पर जुए नहीं रिंगती। हम चार लोग हैं, 1 2 3 4, बस चार आम लोग। तू आम सही पर अहम है, तो कुछ नहीं ये वहम है। ऐ जुल्मो सतम के आदि, ये सब जालिम तुझसे है, तू क्या ये बतला दे। इनकलाब अब के ला दे। तू आम सही पर अहम है, तू कुछ नहीं ये वहम है। भूख हड़ताल मेरी, धरना हम सबका। हड़ताल करेंगे, सरदार जान शेर, सरदार सुल्तान शेर और उनकी कंपनी शादमा डेवलपर्स के खिलाफ। बोल नारायण सरदार। शाबाश बोल, जबान खोल। ये तो गूंगी है। ये तो बोलती है। सुन कुतिया, अपने यारों से कह दे कि घर बेच दे, वरना उसी घर को कोठा बना के तुझे बिठाऊंगा।
लोग भूख हड़ताल करने लगे हो। Are you okay? हुआ क्या? यही तो मैं पूछना चाहती हूँ। तुमने तो वादा किया था हम शादी करके दुबई शिफ्ट हो जाएंगे। किया था ना? और अब वक्त आया है तो फिर अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हो। मैं इस वक्त मुल्क के लिए कुछ करना चाहता हूँ, बातों से आगे, बस चंद है। और मैं एक दिन भी नहीं यहाँ गुजारना चाहती, मुझे यहाँ डर लगता है। सब ठीक हो जाएगा। कुछ ठीक नहीं होगा, यहाँ वक्त रुक चुका है। मूसा हमारी जिंदगी को तबाह कर रहा है, उसका तो ना कोई आगे है ना पीछे। मूसा ने हमेशा मेरा साथ दिया, क्या तुम मेरा साथ नहीं? हरगिज नहीं, ना मैं तुम्हारा साथ दूंगी और ना मैं तुम्हें सब कुछ करने दूंगी। You know I love you. Then prove it. मेरे इंतजार में 8 साल शादी नहीं की ना तुमने? बहुत प्यार करते हो ना मुझसे, तो ठीक है, कल ही हम चले जाएंगे, निकाह दुबई में ही कर लेंगे। मूसा कल भोकर ताल कर। मूसा, to hell with him! बाहर में गया वो भी और ये मुल्क भी। निदा, हमारा मुल्क। तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मुल्क है या मैं? हम लोग उल्लू के पट्टे हैं जो यहाँ बैठे हैं। क्या हो गया? मर्द बन। मर्दे मोमिन या मर्दे आहन? सिंथिया वापसी का प्लान पूछ रही थी, मैंने कहा नहीं नहीं अभी तो वेकेशन पे हूँ, बड़ा मजा आ रहा है, अभी कुछ दिन लगेंगे। क्यों, तुमने उसे बताया नहीं? क्या बताऊं कि तुम्हारा मियां फुटपाथ पे आ गया? क्यों, हम भी तो तुम्हारे लिए फुटपाथ पर बैठे। मेरे लिए नहीं, अपने मुल्क के लिए। डूड ओके देन, व्हाई डोंट यू गेट लॉस्ट?
जाओ गोरों के जूते चाटो। नहीं, no, why don't you get lost? क्योंकि तुम बकवास कर रहे हो। बकवास तुम कर रहे हो। Please. हाँ हाँ क्या? बस कर दो सरमद। बस कर दे प्लीज। अबे ची लेने दो ना, ची लेने दो। अरे सुख का सांस और इज्जत की जिंदगी दो ना। बहुत रश लगा हुआ है। आप ऐसा करें, अपना बयान दे दें, कल के अखबार में छाप दूंगा बैक पेज पर। चलो मैं हाशिया भी लगा दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमारी कौम सो रही है, ये जुल्म सह सह कर बेहिस हो चुकी है। हेलो, पूरी कोशिश है कि हम। चंदा क्यों मुझे घड़ी घड़ी तंग कर रहे हो? 25 साल हो गए हैं जानी अपना इस्तीफा जेब में रख के घूमता हूँ। उसे कह दो नहीं चल सकता। हाँ हाँ, आप इनकी बातों का बुरा ना मनाइएगा, ये रोजाना हाँ। इस किस्म के एहतजाज देखने के आदि हो चुके हैं। आप अपना पैगाम मुझे रिकॉर्ड करा दीजिए। नो थैंक्स, पहले काफी जिल्लत हो चुकी है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप लोगों ने कौन सा चला देना है? आपके लिए तो ये नॉन इश्यू है। आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन प्लीज आप बुरा ना मनाइएगा। सुनो, हाँ पैगाम है, उनसे कहना कि जब उठ जाएं तो फिर दोबारा से सो जाएं। कैमरा ऑन करो। सर आप रेडी हैं? वी आर रोलिंग। तुम अभी सोते रहो, सोते रहो मेरे भाई, तुम अभी सोते रहो। अभी बेरोजगारी ने तुम्हारे दर पे दस्तक नहीं दी है। तुम्हारे बच्चे की बोतल में अब तक दूध बाकी है। तुम्हारे घर में राशन है? अभी फाके नहीं होते। तुम्हारे अहले खाना रात को भूखे नहीं सोते। इसे ऑन एयर करो। सोते रहो। यस सर, इसे ऑन एयर करें। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। स्टैंड बाय, आईआरडी टू पे कट करेंगे। स्टैंड बाय। मोहतरम है अभी कि उनकी कोई शब अब तक थाने में नहीं गुजरी। तुम्हारी बहन को अब तक कोई कारी नहीं कहता। शरीक जिंदगी के खिलते चेहरे पर कब किसी जालिम ने तेजाब फेंका है? न दुख्तर नेक अख्तर ने अभी तक इज्तिमाई ज्यादती का कर्ब झेला है। तुम अभी सोते रहो। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। तुम अभी सोते रहो। सोते रहो मेरे भाई, सो जाओ। बताओ क्या लखते जिगर कभी अगवा हुआ है? और कभी तुमसे किसी ने आज तक तावान मांगा है? धमाके होते रहते हैं मगर अब भी तुम्हारा भाई मस्जिद से बखैर व आफियत अपने घर को पहुंचता है। भतीजा अब भी उन्हीं गलियों में खेलता है और अभी तक तो किसी ने भी उसे उल्टा नहीं टांगा, ना उसकी लाश गलियों में घसीटी है। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ा। तुम अभी सोते रहो। सोते रहो मेरे भाई। तुम अभी सोते रहो, सो जाओ। अभी तक जुल्म के इफरीत में और तुम में थोड़ा फासला है और अभी तुम तक पहुंचने में उसे कुछ वक्त लग जाएगा। तुम अभी सोते रहो। सोते रहो मेरे भाई, अभी कुछ देर बाकी है। सो जाओ, सोते रहो। सोते रहो मेरे भाई, सो जाओ। की जानिब से शुरू किया गया ये एहतजाज अब अवामी शक्ल इख्तियार कर गया है। लोग इनकी हिम्मत और साफ गोई की वजह से खिंचे चले आ रहे हैं। ये भूख हड़ताल अब एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि चंबेली चौक पर भूख हड़ताली कैंप में लोगों की भीड़ जमा हो चुकी है। अवाम तो इनकी बात सुन ही रही है,
अब देखना यह है कि क्या हुकूमत के कान पे चूड़े ये भगत सिंह और उसके साथियों का दौर नहीं है। ये शहरी लोग क्या भूख हड़ताल करेंगे। अंग्रेजी स्कूलों में पढ़े हुए ये कमजोर ईमान के लोग चंद ही घंटों में मिनरल वाटर मांगना शुरू करेंगे। अरे नोट के बदले वोट लेने वालों से पूछो, क्या यही तुम्हारी जमहूरियत है जहां जान सस्ती और रोटी महंगी। हमें जीने दे दो, हमें जीने दे दो, जीने दे दो। सही कहते हैं, कुत्ता पालते हुए भी नस्ल देखी जाती है। ये मिडिल क्लास के कुत्ते पालने के काबिल ही नहीं। हेलो। जी सर। हाँ, तैयारी करो। ओके सर। इनका भौंकना बंद करो। इनकी बॉडी में पानी की बहुत कमी है, इनको फौरन लिक्विड दीजिए आप। नहीं, मैं कसम खा चुका हूं। सिद्ध ना करो मूसा, डॉक्टर्स की तो सुन लो। अब तो सिर्फ दिल की सुन रहा हूं। इन सब के दिलों की आवाजें सुन रहा हूं। पता नहीं ये आवाजें तुम लोगों को क्यों नहीं सुनाई देती। Hey!
जवाब स्थापित कर दी गई है। यहाँ जलसा या इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। आवाम को हुक्म दिया जाता है कि फौरी तौर पर मुंतशिर हो जाए, वरना पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। सैफ मूसा हम अपना हक मांगने ही तो आए हैं, अब हम किसी लाठी से डंडे हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे यार। मूसा तुम क्या कहते हो? हम आई थिंक इट्स टाइम टू लीव। मूसा के बगैर चले जाए ये हमारी एक बार छोड़कर गए। हर फिरौन के लिए एक मूसा आता है। जानते हो ये पुलिस यहाँ क्यों आई है? जिसने आप सबको एक रंग दिया, जिसने आपको आपका हक दिलाने तक कुछ पागल मत बनो यार। मूसा मूसा खुदा के लिए जो अहम है इंकलाब।
हथियार भी शामिल है। असां आस उम्मीद मुकाई बैठे। तुम्हारे साथी का बहुत दुख हुआ। शहादत का दुख नहीं होता। हम तुम्हारा साथ देंगे। कुर्बानियां देनी पड़ती। सियासत चीज ही ऐसी खून मांगती है, कभी अपनों का कभी अपना। तुम्हारी तहरीक ने लोगों को जगा दिया है, मगर इन्हें अब एक लीडर की जरूरत है। दुआ मांगने चाहता ना तो ये सब कुछ ना होता। कौन? तुम्हारा सैफ भाई। कैसी नजरों से देखता था वो तुम्हें?
जब तुम्हारा बिगड़ा हुआ चेहरा देखता हूं ना तो सहज से मेरी नफरत। अगर तुम वहां होते तो तुम मुझे बचा लेते ना, लेकिन तुमने तो मेरा साथ नहीं दिया, कभी गले से नहीं लगाया मुझे। सैफ जो है तुम्हारे पास, दैट बास्टर्ड। वेट, अब तो वो भी तुम्हें लिफ्ट नहीं कराएगा। बदसूरत जो हो गई हो तुम। इरादे से ना। जा रही है और जमहूरियत जमहूरियत को खतरा है। कौन सी जमहूरियत? जमहूरियत एक फहाशा का नाम है जो अवाम के बीच सिर पर चादर ओढ़कर शराफत का ढोंग रचाती है और रातों को उमरा की महफिलों में नाचती है और गोदों में बैठ के शर्माती है। अवाम को नए इंतखाबात का इंतजार है। कितने भी इलेक्शंस हो, हमारी सीटें पक्की हैं। अवाम एक नई कयादत की मुंतजर है। हर आने वाली हुकूमत हम सरदारों की और सनतकारों की होती है। आज अपने शो में पहली बार मुझे ऐसे लगा कि वाकई नौजवानों ने अपने मुल्क को अपनाने का इरादा कर लिया है और कोई शक नहीं कि यही इरादा एक नए मुस्तकबिल की इर्तका का अमल बनेगा। हाँ? क्या कट करेंगे और ब्रेकिंग पे जाएंगे? कट क्यों हो गया? हुकूमत खत्म हो गई है? और क्या हो गया भाई? मेरे अजीज हमवतनों, साने चमेली चौक के रद्द अमल में मुल्क भर में जो वाकयात रूनुमा हुए हैं और अपोजिशन के इज्तिमाई इस्तीफे के पस मंजर में अपने हलीफों से मशवरे के बाद अवाम के वसी तर मफाद में हमारी हुकूमत के लिए ये अमर नागुजीर है कि इस मखलूत हुकूमत को मजीद चलाया जाए। लिहाजा मैं दस्तूर की रूह से बतौर सदर
आज की तारीख में फिल फॉर असेंबलियों के तहलील होने का ऐलान करता हूँ। इस नाजुक सूरत हाल से निमटने, अवाम की राय और एहतसाब के अमल को यकीनी बनाने के लिए तमाम सियासतदानों के बैंक अकाउंट मुंजमद किए जा रहे हैं। इंतखाबात निगरान हुकूमत 90 दिन के अंदर अंदर करवाएगी। मुसल्लह अफवाज सिविलियन हुकूमत की मदद करेंगी। तमाम दीगर मुल्की मामलात मामूल के मुताबिक चलते रहेंगे। जो इस जदोजहद में आपके साथ हैं। कौन सी जदोजहद? वही जो आपने शुरू की थी। पहले ही बहुत खून खराब हो चुका है। आप लोग जाएं यहां से। हम नहीं जाएंगे। मेरा भाई इस एहतजाज में शहीद हुआ है और हम भी लड़ने मरने को तैयार हैं। और हमने कुछ चंदा इकट्ठा किया है, ज्यादा नहीं है। लेकिन आप लोग चाहते क्या? रहनुमा वो अब हमें नहीं रहा। मैंने कभी अपनी माँ को जेवर पहने नहीं देखा। जब बड़े हुए तो पता चला उनका सारा जेवर आजादी की तहरीक में काम आ गया। वो अक्सर कहा करती थी कि जेवर देकर मुल्क हासिल कर लेना कोई महंगा सौदा नहीं। आज मैं तुमसे अपनी माँ का मुल्क वापिस मांगती हूँ। चमेली चौक सानिया नहीं, याद दिहानी है। जानते हो चमेली की शाख को अगर काटा ना जाए तो उसमें फूल नहीं खिलते। तभी तो ये हमारा कौमी फूल है। मूसा और उस जैसे न जाने कितने लोग कुर्बानियां दे चुके। अब तो फूल खिलने का वक्त आ गया है। जाओ, बहार का मौसम आने वाला है। जाओ।
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आइए सर, आइए। बस ठीक। सर, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मेरी सिक्योरिटी? जी सर। ये हमारे लोग, मुझे इनसे कोई खतरा नहीं। खतरा तो आप जैसे महाराज दोबारा थाने बुलाकर। आइए सर। जिन्होंने मूसा शहीद के काम को मुकम्मल करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली थी। दोस्तों, धरती के सीने से फूल खिल गए। आप सबका यहाँ जमा होना तब्दीली की जाने पहला कदम है। आप सबको मुबारक। हमने चंबेली चौक पे खून बहाया, कुर्बानियां दी, और आपने देखा कि यही चंबेली चौक मुजाहमत की निशानी बन गया है। सुनो, हमारे पास आज भी पैसे हैं, पर जुनू तो है, ताकत नहीं, ईमान तो है, तजर्बा नहीं, जज्बा तो है। ये इंकलाब पार्टी वाले, रिलायंस पार्टी वाले कहते हैं कि तुम धरती के कीड़े, मिडिल क्लास, साइलेंट मेजोरिटी, तुम्हारा शजरा नहीं। हाँ, हमारा शजरा नहीं है, पर इज्जत तो है। हमारे पास ख्वाब तो हैं, और मूसा ने हमें अपने ख्वाबों पर यकीन करना सिखाया। एक आम आदमी के अहम है मेरा, हम सब तब्दीली ला सकते हैं अपने वोट से। अंगूठा छाप कहते हैं हम उनको, तो लगा दो यही अंगूठा, बदल डालो तब्दील। बस अपना एक वोट इस मुल्क के लिए ना, क्या तुम सब वोट डालोगे? इलेक्शन वाले दिन घरों से निकलोगे? मुल्क बदलोगे? पसमानदा इलाकों से भी लोग हमें लिख रहे हैं। आपने सबका दिल जीत लिया है। अच्छा। मेरे कॉलेज के तमाम स्टूडेंट्स अपना वोट रजिस्टर करवा रहे हैं। मूसा ठीक कहता था, एक ना एक दिन ये सब कुछ बदलेगा। क्या हुआ? आपके आने का मकसद? तुम्हारा जलसा देखा था टेलीविजन पे, बहुत खुशी हुई। अभी नए आए हो, ये पॉलिटिक्स सांप सीढ़ी का खेल है। ये मैं तुम्हें सीढ़ी दे रहा हूं, इस पर चढ़ो और बुलंदियों को छू लो।
सुल्तान को NA-273 से हम तुम्हारे हक में बिठाने के लिए तैयार हैं। आप जद्दी पुश्ती सियासतदान हैं और हम आम लोग। सियासत का ना आना ही हमारी असल ताकत है। हार जाओगे। हार तो उसकी होती है जो जीतना चाहता हूं। हम सर की बाजी लगाए निकले हैं सरदार साहब, और उसकी कोई कीमत नहीं होती। ये शहर सरदार फलक शेर ने आबाद किया था, और किसी की जरूरत नहीं थी कि हमारे खानदान के आगे सिर उठा सके। ये आजकल के मिडिल क्लास कुत्ते हमारे आगे ही भौंकना शुरू हो गए। हड्डी डालो और इनमें से एक ऐसा कुत्ता ढूंढो जो खुद ब खुद दम हिलाता हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं, इलेक्शन कमीशन के नए अहकामात के मुताबिक तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपने मंशूर से कौम को टीवी के जरिए आगाह करने की पाबंद है। इलेक्शन डिबेट के चौथे हिस्से के साथ आज हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। चमेली तहरीक की जानिब से उनकी नुमाइंदगी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सैफ अली अंसारी, और इंकलाब पार्टी की जानिब से हमारे साथ शरीक हैं उनके लीडर सरदार सुल्तान शेख। मैं प्रोग्राम का आगाज करना चाहूंगा चमेली तहरीक से। सैफ साहब कुछ हो नहीं गया? पहली बार है, घबरा गए थोड़े से। सुल्तान साहब प्लीज। क्या कर रहे हो सैफ? हमें देखकर तो बड़े बड़ों के होश गुम हो जाते हैं। जब चेहरों से नकाब उतरते हैं तो होश संभालने में वक्त लगता है। हमारा मकसद किसी पर कीचड़ उछालना नहीं है, और आपके मंशूर में किए हुए दावे और वादे पिछले 3 नस्लों से दोहराए जा रहे हैं। मैं इनसे एक सवाल करता हूं कि इनकी पार्टी का तालीम के बारे में क्या मौकफ है? जी सुल्तान साहब, ये क्या बताएंगे? उन्होंने खुद पढ़ा हो तो बताएंगे। मैं ग्रेजुएट हूं। मैं आपकी नहीं मंशूर की बात कर रहा हूं। कि अगर आवाम ने हम पर एतमाद किया और हमारी हुकूमत बनी, तालीम के ऊपर तारीखी बजट पास हो। मेरे दादा सरदार फलक शेर और मेरे वालिद सरदार जान शेर की इस मुल्क के लिए अनगिनत खिदमत है। कोई इनसे पूछे कि पिछले 50 बरसों में इनके खानदान ने कितना टैक्स दिया? इनकी इतला के लिए कि ज़रात पर टैक्स नहीं लगता। हम टैक्स की वसूली को लाजिम करार देंगे, बल्कि एहतसाब के अमल को सियासतदानों के चुंगल से आजाद करें। ये नामुमकिन है। नामुमकिन था, पर अब
जब खल्क करेगी घेरा तंग, बह जाएंगे सब कच्चे। पर आकर जोश दिलाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है सलीम मियां, ये कौम बेहोश पड़ी है, बेहोशी रहेगी। जरूरत हुई आपको ये कदम उठाने की? सरदार साहब, I'm sorry। जैसे कि आप देख रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने शराब पार्टी की सरकार और ताबिज के बारे में सरदार जान शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनकी जाने सख्त इंतजार कर रहे हैं। ये ना समझना कि हुकूमत के गिर जाने से हमारी ताकत में कोई फर्क आया है।
अब भी मौका है। यही तो मौका है। हमारे खिलाफ खड़े होने के नताइज अच्छे नहीं होंगे। तुम मुझे धमकी दे रहे हो। सरदार धमकी नहीं, मोहलत देते हैं। अगर जीत हमारी हुई तो मैं तो तुम्हें मोहलत भी नहीं दूंगा। तुम लोग अपनी खैर मनाओ। सरदार साहब की गिरफ्तारी के बाद हलके में बागी उठ रहे हैं, मगर किसी की जरूरत नहीं कि अपनी आवाज और नजर हमारे सामने उठाए। और वैसे भी 500 रुपए फेंको और जहां चाहे अंगूठा लगवा लो। यूथ चंबेली की बात कर रही है। यूथ जिनको नौकरी ना मिले उन्हें लीडर कहां से मिलेगा? राशिद हमारा नाम से तो उम्मीदवार है। अगर राशिद की जगह हम किसी खंबे को भी खड़ा कर दे ना तो वो भी जीत जाएगा। तो भाई चंबेली की खुशबू सत्ता रही है, वतन की मट्टी बुला रही है। इस वक्त फलकाबाद के इलाके यादगार कॉलोनी के पोलिंग स्टेशन के बाहर खड़ा हूं। जैसा कि आप जानते हैं यहां इंकलाब पार्टी के राशिद महमूद और चंबेली के रहनुमा सैफ अलमदार के दरमियान कांटे का मुकाबला चल रहा है। सिलेक्शन में जदीद तरीन स्वैप मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे मुल्क में पहली मर्तबा साफ शफाफ इंतखाबात मुमकिन हो पाए हैं। किसी भी जमात को हुकूमत बनाने के लिए कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत दरकार होगी। मुल्क खुदादाद की कौमी असम्बली में कुल 290 नशिस्तें हैं। इससे पहले इतनी बड़ी तादाद में नौजवानों को वोट डालते नहीं थे। तब्दीली का नारा बुलंद करने वाले नौजवान साफ नजर आ रहा है कि इस इलेक्शन का रिजल्ट एक बड़ा अपसेट होगा। कई बड़े बड़े सियासी बूथ टूटते हुए नजर आ रहे हैं। मुल्क खुदादाद की ये इलेक्शन जिनमें नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद बाहर निकली है वोट कास्ट कर रहे हैं, और फलकाबाद शहर से जो इत्तलात आ रही है उनके मुताबिक टर्न आउट 70% से ज्यादा होने की तवक्को है। नौजवान तो आगे आ ही रहे हैं, खवातीन भी पीछे नहीं है, बूढ़े भी पीछे नहीं है। सभी आज अपने घरों से निकल रहे हैं, पोलिंग स्टेशन का रुख कर रहे हैं। आखिर मुल्क खुदादाद की तारीख बदल गई है। मैं समझता हूँ वोट
डॉक्टर ट्रेंड चंबेली की तरफ है, अब देख लीजिएगा। जी फरिया, बज़ाहिर यहाँ जो नजर आ रहा है उससे लग रहा है कि वोटर्स का रुझान पूल की जानिब है। अभी पोलिंग खत्म होने में एक घंटा बाकी है, लिहाजा कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता। मैं तो जलील हो गया। बल्कि इससे वोटिंग का रुझान हार साफ नजर आती है। हराम खोर हम तीन नस्लों से जीते आ रहे हैं, हम हार नहीं सकते। ये साले कीड़े मकोड़े इनकी वजह के हमें वोट ना दे। में झड़प हुई है। ज़राए के मुताबिक इस वाकये में इंकलाब पार्टी के कायम मुकाम सदर सरदार सुल्तान शेर नशे की हालत में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ये स्कोर बोर्ड गवाही दे रहा है कि अवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। मुमलिकत खुदादाद इस वक्त एक जश्न की कैफियत में है। बच्चे बूढ़े मर्द औरत सब चमेली की बहार के मुंतजर हैं। नौजवानों ने बिल आखिर अपने अंगूठों पर स्याही मल ली। ये इलेक्शन मुल्क की तारीख में अपनी मिसाल आप है। इबरत के निशान हमेशा कदावर हुआ करते हैं, लेकिन आज के फिरौन कल के फिरौनों से ज्यादा ताकतवर और बड़े हैं। जिनको लोग इबरत नहीं परस्तिश के काबिल समझते हैं, जिनके आगे सर झुकाना रीत और सर उठाना मायूब समझा जाता है।
बहुत प्यार करते हो धरती से ना। कौन होगा जिसे अपनी माँ से प्यार ना हो, कोई होगा? सही कहते हैं, नामों का शख्सियत पर असर होता है। तुम्हें तो सब फिरौन नजर आते होंगे। इसीलिए मुझे तुमसे उम्मीद। मुझसे? सैफ, जो नाइंसाफी को काट डाले। अरे अरे भाई, ये मेरे बस की बात नहीं। मैं अपनी दुनिया में खुश हूं। मेरे पास ना ताकत है ना पैसा, बस एक इज्जत है, उससे रहने दो। इज्जत और जिल्लत रब के हाथ में है, वो जिससे चाहे काम ले ले। कब क्या हो जाए किसे मालूम। ख्वाब देखा करो सैफ, ख्वाब। जुनून खुद ही आ जाएगा, और जुनून के आगे न पैसा टिकता है और न ताकत। बदलो, मगर पहले अपने आप को बदलो। अपनी धरती से प्यार करो सैफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुहिब वतन साथियों, मुझे तकरीर करना नहीं आती और ना ही मैं कोई तकरीर करूंगा। मैं आज आपकी उम्मीदों की तर्जुमानी करूंगा। मैं खुशकिस्मत हूं इसलिए नहीं कि मैं इस मनसब पर फाइज हुआ हूं, बल्कि इसलिए कि मैं आप ही में से हूं और आपके दुख और दर्द को समझता हूं, और यह सब आपके वोट की वजह से मुमकिन हुआ है। मैं आपकी हिम्मत और जुर्रत की दाद देता हूं। यह मुल्क बदलने जा रहा है, और सिर्फ इसलिए कि आप सब ने आखिरकार खुद को बदलने का फैसला किया। आप सबको मुबारक हो। हमारे पास वक्त बहुत कम है, लिहाजा मैं बहैसियत सदर मुल्क के खुदादाद खुदा को हाजिर और नाजिर जानते हुए चंद फौरी इस्लाहात का ऐलान करना चाहता हूं, ताकि ये 5 साल पिछले 50 बरसों के जख्म भर सके। मुझे आप सबकी दुआएं और साथ चाहिए। मैं मुल्क के परचम को आजाद करता हूं। आज के बाद हर शहरी को कौमी झंडा अपनी सवारी, घर, चौक और इमारतों पर लहराने की मुकम्मल इजाजत होगी, और यह झंडा VIP नहीं, इस मुल्क के वारिस यहां के लोगों की पहचान होगी। मैं बर्री अफवाज मिल्ली को हुक्म देता हूं कि 6 महीने के अंदर अंदर पुलिस मुनज्जम करे और उस वक्त तक सिविल इंतजामिया की मावनत करे। मुल्क में 5 साल के लिए टैक्स की वसूली और तालीम के फरोग के लिए मैं इमरजेंसी नाफिज करता हूं, जिसके बाद हर शोबे पर टैक्स लाजिम होगा और पूरे मुल्क में यकसा निजाम तालीम के साथ साथ मुफ्त तालीम दी जाएगी। मैं तमाम आला और निजी अदालतों को हफ्ते के 7 दिन खुला रहने का हुक्म देता हूं। आज के बाद कोई भी केस 60 दिन से ऊपर नहीं चलाया जाएगा। तमाम सरकारी इदारे प्यार मुझे न ख्वाबों से, प्यार मुझे न ख्वाबों से,